बट बेसिकली मैं आप लोगों को फंडा बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस तरीके के सेशंस को अरेंज क्यों किया। सी आई डू पर्सनली बिलीव कि किसी भी बिल्डिंग को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है तो उसका फाउंडेशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से इज आप लोगों को 11th और 12th साइंस इन 2 सालों में किसी सब्जेक्ट में अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप लोगों के फंडामेंटल्स उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 10th में बहुत अच्छी पढ़ाई करी हुई है, आई डू पर्सनली बिलीव दैट। बट एट द सेम टाइम आई डू थिंक ऑल्सो कि अगर उन कंसेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद हमारा मेन कंसेप्ट अगर पढ़ा जाए तो अक्रॉस द ईयर हमें किसी भी कंसेप्ट को समझने में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स डिसाइड किया है जिसको हम लोग बोलेंगे कि रिवीजन कंसेप्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को पूरे 11th और 12th साइंस के अंदर जो जो बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों को काम में आने वाले हैं उन सबको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। इससे फायदा क्या होगा बच्चों? इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को अक्रॉस द ईयर कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यहां पर मेरा कंसेप्ट वीक है इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बराबर, क्योंकि साइंस इज अ सब्जेक्ट वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इट इज नॉट मियर मगिंग। हम सिर्फ मग कर लेंगे और हम लोगों को साइंस में स्कोर अच्छा हो जाएगा, इट इज नॉट द केस। साइंस में जितना आप कंसेप्ट को समझोगे उतना ज्यादा स्कोर करने का चांस होता है, क्योंकि साइंस इज नॉट द थिंग के आप लोगों ने एक क्वेश्चन रट लिया और वही का वही क्वेश्चन जाके एग्जाम में लिखना है। नो, आप लोगों को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं जिसके अंदर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा, फिर उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को पूछे जाएंगे। बराबर, तो इस सीरीज का जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है बच्चों वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में बच्चों अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊं तो अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 118 एलिमेंट्स। बराबर, ये कुछ फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल क्या है वो आप लोगों को पता ही होगा, इट इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अवर नोन एलिमेंट्स। हम लोगों के पास जो एलिमेंट्स है ना अभी के डेट में, उन लोगों को अगर हम उन एलिमेंट्स को अगर हम सिस्टमेटिकली अरेंज करें तो जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। वर्ड पीरियोडिक का मतलब ही होता है रेगुलर अरेंजमेंट। तो पीरियोडिक टेबल मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द रेगुलर फैशन। बराबर ना, तो यहां पर आप लोगों का 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। मैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। अगर इसके अंदर हम लोग कॉलम की बात करें तो 18 कॉलम्स हैं, या 18 कॉलम्स बोलने की जगह पे मैं मॉडर्न टर्म यूज करूं तो 18 ग्रुप्स ऐसा बोल सकता हूं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर व्हाट डू वी मीन बाय ग्रुप्स? तो यहां पर आप लोगों को जो कॉलम्स दिख रहे हैं ना बच्चों दे आर टर्म्ड एज ग्रुप्स। जैसे ये वाला ग्रुप नंबर वन है, दिस इज ग्रुप नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन एंड एट लास्ट देर इज 18। ठीक है, यहां पर जो रोज है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। तो ऑल टुगेदर देर आर 8 पीरियड्स, सॉरी 7 पीरियड्स। यहां पर आप लोगों के पास 7 जो है वो पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल में। बराबर, 7 पीरियड्स। इस पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में नियरली 200 ईयर्स लगे थे बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में, यहां पे ध्यान बनाए रखना, बहुत मजा आएगा। 200 ईयर्स लगे थे इस पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के अंदर। लेकिन अगर आप यहां पर केयरफुली अटेंटिव रहेंगे तो नेक्स्ट, मैं आपको गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट हाफ एन आवर में आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। इस तरीके की फनी ट्रिक्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने की है। बराबर ना,
तो आप सभी बच्चे रेडी हो जाओ बच्चों, हम इस पीरियोडिक टेबल को विद इन हाफ एन आवर लर्न करने का तरीका सीख लेंगे। आई बेट यू अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल याद है तो जब भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तब आपको कंसेप्ट की वजह से परेशानी नहीं होगी कि यार मुझे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के नाम ही नहीं याद है तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, ये चीज आपके साथ नहीं होने वाली है, बराबर ना। चलो बच्चों ग्रुप नंबर वन की बात करते हैं, ग्रुप नंबर वन बराबर ना। तो ग्रुप नंबर वन के जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले मैं अगर लिख दूं तो वो होंगे आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फिर आप लोग बोलोगे सर इतना आसानी से आपने कैसे याद कर लिया इसको, तो देखो बच्चों इसके लिए ट्रिक है। बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठना, मैं यहां पर जो भी ट्रिक लिख रहा हूं ना उसको लिख देना बच्चों नोटबुक में, ये आपको बहुत काम आएगा पूरे 2 सालों के लिए। ये जो मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूँ बच्चों वो आप लोग अगर नोट डाउन करके रखोगे और इस मेथड से पीरियोडिक टेबल को याद रखोगे तो पूरे साल आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसके अंदर, बराबर ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रुप नंबर वन की मैं ट्रिक लिखता हूँ। यहाँ पर हेली नाम की एक बच्ची है, ठीक है, हेलिना नाम की बच्ची को यहाँ पे हेलिना लिख देता हूँ पहले। हेलिना नाम की बच्ची जो है उसके मम्मी पापा उसकी किसी विश को पूरी नहीं कर रहे हैं, बराबर ना। हेलिना ने ऐसा बोला उसके मम्मी पापा को कि पापा मुझे लैपटॉप लेके दो, लेकिन पापा लेके नहीं दे रहे। तो हेलिना जो है ना वो क्या कर रही है, तो हेलिना करे रब, हेलिना करे रब से, यहां पे से को मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूं ध्यान से देखना, रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। चलो बच्चों एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल दे। हेली मतलब कि पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, बराबर ना। ली मतलब कि दूसरा एलिमेंट लिथियम, बराबर। फिर ना तीसरा एलिमेंट सोडियम, करे पोटेशियम, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम, ठीक है। हेली ना करे रब से फरियाद, है कि नहीं आसान बच्चों, आप लोगों को ग्रुप नंबर वन याद रह गया, ठीक है, ग्रुप नंबर वन आप सभी को ही याद रह गया। सबको ट्रिक समझ में आया, सभी बच्चों को? यस, ठीक है बच्चों। मेरा चैट बॉक्स जो है ना वो विजिबल नहीं है क्योंकि मेरी स्क्रीन काफी कंजस्टेड है, इसीलिए मैंने चैट बॉक्स को साइड में रखा है। आपको कुछ बताना है तो प्लीज मुझे बोलना, हाँ क्योंकि स्क्रीन के ऊपर काफी ज्यादा अभी लोड है तो मैंने अननेसेसरी चीजों को साइड में रखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ग्रुप नंबर वन जो है वो याद रह गया है, हेलिना करे रब से फरियाद। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी वांधा नहीं है, लिखोगे तो बेस्ट वरना स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये ग्रुप नंबर वन की बात हो गई कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों ग्रुप नंबर टू के बारे में, ग्रुप नंबर टू, ठीक है। चलो ध्यान देना, इसको मिटा रहा हूं। बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? लिख लिया, डन, वेरी नाइस, लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। अब बच्चों हम लोग ग्रुप नंबर टू के बारे में बात करें ना, उसके पहले मैं आप लोगों को एक बेटे और बाप की स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक्चुअली एक बेटा है जो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बराबर ना, और उसका 10th में बहुत मस्त रिजल्ट आ गया है। मस्त रिजल्ट मतलब 95% लेके आ गया है, बराबर ना। तो पप्पा बहुत खुश हो गए हैं, उस देख लिया कि पप्पा बहुत खुश हो गए ना तो हम जो मांगेंगे ना वो दे देंगे, बराबर। पप्पा भी बहुत रिच है, पप्पा भी खुश भी है ऊपर से, बराबर ना।
तो बेटा उनसे कुछ मांग रहा है, क्या मांग रहा है चलो देखते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेटे ने 95% ला दिए हैं, इसीलिए अब वो मांग रहा है पप्पा से, क्या मांग रहा है, कार और स्कूटर। पप्पा भी बहुत रिच है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए पप्पा भी उसको जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, बराबर ना। चलो बच्चों पहला एलिमेंट बेटा, बेटा माने क्या होगा यहां पर, बेरिलियम। मांगे मैग्नीशियम, बराबर ना। कार कैल्शियम, स्कूटर स्कैंडियम। बच्चों मैं एलिमेंट्स के नाम लिखूं, आप लोगों को सिंबल और नाम दोनों लिखूं? सॉरी इट्स ओके सर, हम लोग लिख लेंगे। ओके चलो डन। बेटा मांगे कार पर लिखो ना। हाँ ठीक है मैं तो लिखता हूँ बेटा, नो इश्यूज। यस सर। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ठीक है। बाप, अब समझना बच्चों इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें पहले दो लेटर बेरिलियम, इसमें पहले दो लेटर बेरियम। राजी मतलब कि रेडॉन, सॉरी रेडियम, नॉट रेडॉन, रेडियम, ठीक है। तो लिख दो यहां पे एलिमेंट्स। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। अब समझना बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज, जो पीरियोडिक टेबल है ना, उस पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने चार पार्ट में डिवाइड किया है, चार पार्ट। वो चार पार्ट है आपके एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ, ठीक है। ये जो है ना, ये पहले दो ग्रुप्स, उनको कंबाइनली हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। अच्छा यहां पर जो है ना 3 से लेकर के 12 वो है आपके डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक। अब ये हटा देता हूं, आप लोगों को ग्रीन कलर की पेन दिख रही है ना बच्चों, नो इश्यूज। चलो फिर यहां पर आप लोगों का है पी ब्लॉक, टी ब्लॉक 13 से 18 तक, और ये जो आप लोगों को लास्ट में दिख रहा है वो है आपका एफ ब्लॉक। नेचुरली आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसको एस डी पी एफ ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं, तो देखो बच्चों उसके बारे में आप लोगों को अभी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे क्यों सर आपको जोर आता है बताने में, अरे भैया नहीं, थर्ड चैप्टर है ना आप लोगों का 11th स्टैंडर्ड का, वो पूरा का पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ही चैप्टर है, तो उसके अंदर हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि क्यों एस पी डी और एफ ही नाम दिया गया, बराबर, वो तब बात करेंगे। फिलहाल हमारा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के नाम याद रखना है, बराबर। अब डी ब्लॉक को बाकी रखो बच्चों, हम लोग 13 ग्रुप की बात करते हैं, पी ब्लॉक की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है सभी बच्चों ने? यस सर। चलो डन, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हम लोग अभी बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 की। ग्रुप नंबर 13 की चलो, तो बच्चों ग्रुप नंबर 13 में आप लोगों की ट्रिक जो है वो सब्जी मार्केट से रिलेटेड है, बराबर ना।
एक छोटा बच्चा जो है ना वो अपनी मम्मी के साथ गया है सब्जी मार्केट में, सब्जी लेने के लिए ऑब्वियसली, बराबर ना। सब्जियां कौन सी ले रहा है वो? बैंगन, आलू और गाजर, बराबर। तीन सब्जियां लेके आया है, तीन सब्जियां लेके आया है तो सीधी सी बात है अपने साथ कुछ कैरी बैग भी लेके गया होगा। तो कैरी बैग को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं थैला, ठीक है। चलो अब ट्रिक क्या है वो समझते हैं। बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। आप लोग बैंगन, आलू और गाजर को थैले में भर रहे हो, बराबर ना। चलो बैंगन मतलब कि बीई, बेरिलियम, सॉरी बच्चों, बोरोन, हाँ, नॉट बेरिलियम। बैंगन मतलब कि बोरोन। बी, आलू मतलब कि एल्यूमिनियम, सिंबॉलिकली AL। गाजर, गैलियम, Ga। इन, इंडियम, IN। थैला, थेलियम, TL। ठीक है, याद रह गया बच्चों? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन बोरोन, आलू एल्यूमिनियम, गाजर गैलियम, इंडियम मतलब कि इन, और थैला मतलब कि TL। ठीक है, चलो लिख देते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन इन थैला। फिर आपको मन में क्वेश्चन आएगा, सर लास्ट वाला बाकी रह गया। हाँ जी, वो बाकी रहेगा। ये वाला जो चीज है ना बच्चों, वो आपका पीरियड है। कौन सा पीरियड है? सेवेंथ पीरियड। तो जो सेवेंथ पीरियड है ना बच्चों, वो इनकम्प्लीट है अभी तक पीरियोडिक टेबल के अंदर, बराबर ना। तो इसके अंदर इतने ही एलिमेंट्स आएंगे आपके। चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बर्थडे चलो ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों। आप लोग ऐसी ट्रिक्स पढ़े हो कहीं पर पहले? अच्छा, चलो ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में सीता जी और राम की बात हो रही है। ऑब्वियसली मैं आपको रामायण नहीं पढ़ा रहा हूं, बराबर, लेकिन उसके कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इसके अंदर ट्रिक में ऐसा है कि कहे सीता जी, सीता और जी को अलग कर देते, कहे सीता जी सुनो प्रभु, वो अपने पति प्रभु श्री राम जी को कह रहे हैं कि मैं कुछ बोल रही हूं, आप सुनो, बराबर। चलो कहे का मतलब क्या है? कार्बन, सिंबॉलिकली सी। सीता जी मतलब कि सिलिकन, SI। जर्मेनियम, GE। सुनो, सुनो क्या होगा पता है? टिन, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं SN लेकिन बोलते हैं टिन, ठीक है। टिन, SN। प्रभु मतलब कि बोलते हैं लेड, लिखते हैं PB, ठीक है। चलो फिर कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु।
नंबर 14 क्लियर बच्चों? स्क्रीनशॉट टेकन? चलो डन। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की। देखो बच्चों, स्टार्ट डायरेक्ट 11th भी किया जा सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बार आपका कंसेप्ट रॉबस्ट होगा ना, तो मेरे लिए पढ़ाना और आप लोगों के लिए पढ़ना दोनों चीजें बहुत आसान होंगी। हाँ, सो भले 2-3 या 4 लेक्चर जो है वो कंसेप्ट बिल्डिंग में चले जाए, नो इश्यूज, लेकिन वो कंसेप्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको 11th और 12th में कहीं पर भी कंसेप्ट की वजह से एटलीस्ट दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 15 के पहले मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं। देखो अब इसके अंदर है ना, एक बच्चा है जो कोई ऐसी चीज पी रहा है जो सबके सामने नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, तो उसकी मम्मी उसको डांट रही है उसकी मम्मी उसको डांट रही है, बराबर। क्या डांट रही है? नहीं पिया कर, नहीं पी, या पिया कर या पी, जो भी लिखो आप, नहीं पी ऐसे सबके बीच में, ठीक है। एक तो ट्रिक ये हो गई। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पुराने जमाने में एक्टर्स होते थे ना, नाना नाना पाटेकर असरानी सब बेकार, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी एक इसकी ट्रिक है, क्या? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। आपको कौन सी सही लगी बच्चों तीनों में से? सर नेपाल वाली। नेपाल वाली सही। कुछ लोग बोलेंगे ये सही नहीं सर, सर हम इंटीग्रेशन में मानते हैं, हम ऐसा नहीं करते। वेरी नाइस, सेम वाज एक्सपेक्टेड। चलो तो मैं बाकी की सबको मिटा रहा हूँ बच्चों, सिर्फ नेपाल वाली जो आप अच्छी लगी ना उसको ही रखते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर हम पढ़ लिख के है ना इन सब कंट्रीज में घूमना चाहते हैं, इसलिए ये रखो, वो भी सही है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। चलो हम लोग ऐसे नहीं है भाई, सब बेचारे अच्छे हो, कोई भिखारी नहीं हो, लेकिन यहां पर हम लोगों को खाली बस ट्रिक याद रखनी है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। चलो नेपाल, नेपाल से समझ में आ गया होगा बच्चों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सिंबल एन। पाकिस्तान से समझ में आ गया होगा कि फास्फोरस सिंबल पी। ऑस्ट्रेलिया से समझ में आ गया होगा आर्सेनिक। फिर सब एंटीमनी, इसको हम लोग एंटीमनी बोलते हैं, समझना, लिखते एस बी है लेकिन बोलते एंटीमनी है, ये साधु बाबा है, इसको ऐसे याद रखो, साधु बाबा। साधु बाबा को पैसा नहीं अच्छा लगता है ना, वो मनी के ऑपोजिट है, इसलिए एंटी मनी, ठीक है, एंटी मनी। एस बी भिखारी मतलब की बिस्मत। अरे सर आज एक लड़की ने, वो नेपाल से है। अच्छा ऐसा नहीं नहीं हाँ भाई, हम लोग ऐसा कोई पर्सनली किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वी आर जस्ट हैविंग द फन कि हम लोगों को आसानी से चीजें याद रह जाए, बस, बराबर। चलो टेक द स्क्रीनशॉट बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है? यस सर। डन। यस सर। डन डन डन। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों ग्रुप नंबर 15 का।
अपनी नोटबुक में इसको है ना दो तीन बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है बच्चों, ओवर द ईयर बहुत काम आएगा आपको ये। चलो ठीक है, चलो ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 16 से पहले एलिमेंट्स लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर ट्रिक क्या है, ओस एक तरह का खोल हैंड ले जाते हैं, ओस से टेपो, बराबर। ये सबसे आसान वाली है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उससे टीपो, गुजराती में टीपो का मतलब होता है मारना ना, बराबर, वो भी आप बोल सकते हो। और सीधा सा बोल सकते हो उससे टेपो, उसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, सिंबल हो गया ओ, एस सल्फर, सिंबल हो गया आपका एस, ये हो गया सिलेनियम, सिंबॉलिकली एस ई, टेलूरियम सिंबल हो गया टी ई, पोलोनियम सिंबल हो गया पी ओ। ठीक है, तो ओस से टेपो, ये हो गया बात आपका ग्रुप नंबर 16 का, बराबर ना, ग्रुप नंबर 16। चलो एक द स्क्रीनशॉट बच्चों, फिर ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 17, तो ग्रुप नंबर 17 के पहले एलिमेंट्स लिख देता हूं, एफ सी एल बी आर आई ए टी। इसके लिए स्टोरी ये है कि कुछ बच्चे जो है ना वो लॉकडाउन के टाइम में रोज घर से बाहर आके खेलते हैं, रोज घर से बाहर आके खेलते हैं, और उस दौरान उनकी कॉमन प्लॉट के नजदीक एक आंटी का घर है। वो जैसे ही बाहर आती है ना, बराबर, वो क्या करती है, पानी से बकेट को भर के उनके ऊपर डालती है, तो सबके सब बच्चे भाग जाते हैं, बराबर ना। तो उसमें से उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि कुछ बच्चे जो है ना वो वॉच रखेंगे आंटी के ऊपर, जैसे ही आंटी बाहर आएगी ना, बच्चा जो है वो चिल्लाएगा और सब बच्चे उधर से भाग जाएंगे ताकि भीगे नहीं, क्योंकि अगर भीगेंगे तो क्या होगा, घर पे मम्मी मारेगी, है ना, भीग के आ गए। तो इसलिए ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई, आई को ऐसे लिख देता हूं, देखो आई आंटी, ठीक है। चलो इसको क्या बोलेंगे, फिर को मतलब फ्लोरिन, फ्लोरिन सिंबॉलिकली एफ, क्लोरीन सिंबॉलिकली सी एल, बाहर ब्रोमीन सिंबॉलिकली बी आर, आई सिंबॉलिकली आई आयोडीन, आंटी एस्टेटाइन, मतलब कि सिंबॉलिकली एटी, एटी, हाँ ठीक है। तो हो गया ग्रुप नंबर 17 भी आपका, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन एटी, हो गया खत्म। ठीक है, चलो अभी ग्रुप नंबर 18 की बात करूं, उसके पहले एसएस ले लो इसका फटाफट से। ग्रुप नंबर 18, अब ग्रुप नंबर 18 में हम लोगों को कुछ लड़कियों की बात करने की है, उसके पहले मैं एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूं। ठीक है, देखो
कौन कौन सी लड़की है इसमें? तो पहली लड़की है हिना, फिर हिना को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ही ना, फिर नीलम और फिर करीना। कुछ लोगों को मजा आ गया होगा, हाँ करीना हिना नीलम और करीना का जेरोक्स रंगीन। एक्चुअली हुआ क्या है, 10th स्टैंडर्ड की कुछ बच्चियां जो है ना वो जेरोक्स निकलवाने गई हैं, उसमें से ये लड़कियां हिना नीलम और करीना तीन लड़कियां जेरोक्स करवा रही है ना, तो पता नहीं क्यों उनका जेरोक्स जो है वो कलर प्रिंट ही आ रहा है, इसीलिए हमने ट्रिक बनाया है हिना नीलम और करीना का जेरोक्स रंगीन। चलो हिना क्या लिखेंगे, हीलियम, नीलम नियोन और मतलब कि आर्गन का क्रिप्टन। ये सबके सब इनर्ट गैसेस हैं, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, जेरोक्स ग्जेनन, रंगीन मतलब कि रेडन, ठीक है। तो क्या होगा सिंबल इसका, एच ई एन ई ए आर के आर एक्स ई आर एन। क्लियर है बच्चों? देखो आप लोगों को कितने ग्रुप्स याद रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप तो याद रह गए, पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स है, उसमें से 8 ग्रुप्स अपने लर्न हो गए इधर, बराबर। टेक द स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों अब मैं आप लोगों को आगे के ग्रुप्स चलाऊं, उसके पहले इन ग्रुप्स का रिवीजन कर लेते हैं। सभी बच्चे अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर दो, अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर दो बच्चों, हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। चलो ग्रुप नंबर वन, बोलो क्या सिखाया था ट्रिक। हेलीना करे रब से फरियाद, हेलीना करे रब से फरियाद, डन। हेलीना क्या था उसमें, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम फिर सोडियम, सोडियम पोटेशियम, हाँ सोडियम पोटेशियम फिर सीजियम ट्रेंडियम, हाँ रूबीडियम और सीजियम, रूबीडियम सीजियम, बराबर ना। हिना नीलम अरे हेलीना करे रब से फरियाद, मतलब कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम, ग्रुप नंबर वन क्लियर। ग्रुप नंबर टू, चलो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ इसमें है ना, इस लड़कों को बहुत मजा आएगा इस ट्रिक में, क्योंकि पापा कार लेके दे रहे हैं स्कूटर लेके दे रहे हैं जल से है कि नहीं, बराबर। चलो तो बेटा तो कार आ जाए तो स्कूटर का क्या जरूरत, अब सब जगह पे थोड़ी कार लेके जाएंगे, स्कूटर का सेंस अपना ऐसा ही है कि मतलब बाइक मिल जाए या अच्छी एक्टिवा मिल जाए या वेस्पा मिल जाए। नहीं सर थोड़ा ओल्ड थीम है, अमीर है पर थोड़े ओल्ड है ऐसा। ये ट्रिक जब बनी थी ना तब स्कूटर मिलता था, इसीलिए उस टाइम पे स्कूटर बना दिया। हाँ कोई बच्चा बोल रहा है क्या, 3 लाख से क्या? अच्छा वो इंटरनली बात कर रहे हैं फैमिली में, ठीक है। चलो बच्चों सेकेंड ग्रुप, बेटा मैं आपको ट्रिक का नाम बोलूंगा, आपको एलिमेंट का नाम बोलने का। बेटा बेरिलियम, बेरिलियम। मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर कैंडियम, तो स्कूटर स्ट्रोंशियम। बेट वापस 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 बेटा चलो बेरिलियम, मांगे
मैग्नीशियम. कार कैल्शियम. स्कूटर कैंडियम. कैंडियम. एक मिनट स्कैंडियम था. एक मिनट बेटा उसको स्ट्रॉन्शियम कर दो अगर स्कैंडियम है तो. आई एम सॉरी फॉर दैट. एस आर है स्ट्रॉन्शियम है वो. आई एम सॉरी एस आर स्ट्रॉन्शियम. स्ट्रॉन्शियम फिर बेटा मांगे कार स्कूटर फिर बाप. बेरियम. बेरियम. पहला वाला बेरिलियम और दूसरा बेरियम. हाँ बीई बेरिलियम. बी ए बेरियम. बाप रोए. राजीना सर. बाप राजी. राजीना. मैंने ट्रिक जानबूझ के चेंज कर दिया. जानबूझ के बराबर. कुछ बाप रोएंगे कुछ बाप राजी हैं इसीलिए दोनों का संभाला. बाप राजी या रोए दोनों में से कोई भी लिखो तो क्या होगा. रेडियम. ठीक है रेडियम. चलो डन. अब ग्रुप नंबर 13 बेटा जल्दी से चलो. बैंगन आलू गाजर इन थैला. यस बैंगन. बोरोन. बोरोन. आलू. 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 एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम. गाजर. गैलियम. इन इंडियम. थैला. थैलियम. डन. चलो ग्रुप नंबर 14. कहे सीता जी सुनो प्रभु. चलो कहे. सीता जी जल्दी जल्दी. हाँ सीता जी. सिलिकॉन. सीता जी में दो वर्ड्स हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ध्यान रखना. ये सिलिकॉन जर्मेनियम. सुनो जी में तो हाँ टिन. टिन और प्रभु. लीड. 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 चलो ग्रुप नंबर 15. नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी. नेपाल. कम ऑन. सब नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. फॉस्फोरस. ऑस्ट्रेलिया. आर्सेनिक. आर्सेनिक.